नेक्स्ट है हमारा लेसन, कंटिन्यू करते हैं हम यूएसए का, और रिवर्स एंड लेक्स हमारा टॉपिक है। यूनाइटेड स्टेट हैज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ लेक्स एंड रिवर्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वहाँ पे लेक्स और रिवर्स बहुत ज़्यादा है, दैट ऑफर वाइड रेंज ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स नेचुरल बेड। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जैसे समुद्र का होता है ना पानी खारा, वैसा नहीं है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है वहाँ और नेचुरल ब्यूटी में जो कंट्रीब्यूट करता है। मिसिसिपी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, मिसिसिपी वर्ल्ड की एक सबसे लंबी नदी है। कहाँ से बहती है ये? सेंट्रल प्लेन से, फ्लोज इन सेंट्रल प्लेन। अब प्लेन से बहती है तभी वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए इरीगेशनल फैसिलिटी है। इट सर्व एज अ मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है, मीन्स यहाँ पे जो है वाटर को भी एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिवर को भी वहाँ यूज़ किया जाता है। हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्री हिस्ट्री एंड इकोनॉमी, कंट्री की हिस्ट्री में पढ़े तो भी इसकी इम्पोर्टेंस है, और इकोनॉमी होता है पैसा कमाना। भाई अब एक आने जाने का काम कर रहा है वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, तो इकोनॉमी में भी बहुत फर्क पड़ता है। फ्लोइंग थ्रू द साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट द कोलोराडो रिवर इज रिनाउंड फॉर कार्विंग आउट ऑ इंस्पायरिंग ग्रैंड कैनियन। देखो अगर ये आपको मीनिंग ना पता हो ना ये क्या होता है तो गूगल पे पिक डालना, पिक ऑफ कैनियन, उससे पता चल जाएगा घाटी या समथिंग जो भी वहां पे होते हैं ना। ये देखिए ये दिख रहा है आपको जो उसके दो हिल्स के बीच का है ये। तो अगर कोई भी अगर ऐसे ज्योग्राफी में नहीं पता होता ना वो पिक डाल के देख लो, क्योंकि इसकी ये बोले हम या कोई और मीनिंग बोले तो वो क्लियर नहीं होता, पिक से ज्यादा क्लियर होता है। तो बहुत ये जो अब जो साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट में कोलोराडो रिवर जो है वो किस लिए जानी जाती है, इनी कैनियन के लिए जानी जाती है, बहुत सुंदर सुंदर। द रिवर इज अ लाइफ लाइन फॉर एरिड रीजन, एरिड वो जगह होती है जहाँ पे बारिश कम होती है, तो वहाँ के लिए ये लाइफ लाइन है। क्यों? क्योंकि ये वाटर सप्लाई करती है इरीगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगे हुए हैं, इनसे बिजली भी बनती है, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यानी आप राफ्टिंग बोटिंग भी वहाँ अपनी मनोरंजन की जो एक्टिविटीज़ है वो भी आप वहाँ कर सकते हैं। हडसन रिवर है, रन थ्रू ईस्टर्न पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट में जाती है। ओके, यहाँ इस माउंटेन से होते हुए ये रेंज बता रखी है, यहाँ से यहाँ तक वो जाती है। इट इज़ अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट वाटरवे, अब हिस्ट्री में इसकी इम्पोर्टेंस है, और क्या है हिस्टोरिकली शुरू से है हिस्ट्री में ये, मतलब पहले ये किस काम आती थी वाटरवेज में, और अभी भी क्या है ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज़ होता है, शुरू से ही होता आ रहा है। हडसन रिवर जो है उसको क्या कहा जाता है, सीन नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड चार्मिंग टाउन्स, इसकी ले जानी जाती है। आसपास जो है नदी जहाँ से बहती है उसके आसपास की जो जगह है वो बहुत सुंदर है। इन एडिशन टू दिस, अब इन सब के अलावा ग्रेट लेक्स भी हैं, ये सारे लेक्स के नाम हैं जो वहाँ पे हैं। कौन सी लेक्स है? फ्रेश वाटर लेक्स है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स ऑन अर्थ, ये सारी दे आर शेयर्ड यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बीच में है। देखो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बीच में बस एक थोड़ा सा सी का रास्ता आता है, वो पुल क्रॉस करके कनाडा और यूएसए एक ब्रिज से बस जॉइंट है, उसमें वो कुछ नहीं है, पास पास है वो, तो तभी ये कह रहा है स्टनिंग, मतलब वही सारा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, लैंडस्केप्स अच्छे अच्छे हैं, ब्यूटी है। दे प्रोवाइड अब शिपिंग रूट्स भी हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी होता है, सपोर्ट डाइवर्स इकोसिस्टम, यानी वहाँ पे लाइफ बायोलॉजिकल लाइफ मतलब लाइफ भी अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी वहाँ मिलती है इन सब लेक्स में। कोस्ट लाइन यानी समुद्री एरिया, यूनाइटेड स्टेट का एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है, कहाँ कहाँ है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसके पड़ता है बॉर्डर पे, तो यहाँ पे इतना लंबाई सारा कोस्ट लाइन है, इंडिया का भी बहुत बड़ा है। दीज कोस्टल एरिया ऑफर वाइड रेंज ऑफ लैंडस्केप है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, कैसे टूरिज्म, शिपिंग, फिशिंग, फिश पकड़ने तो यहीं जाते हैं ना समुद्र में। कोस्ट लाइन यूनाइटेड स्टेट की जो है नेचुरल ब्यूटी का ही सोर्स नहीं है, जबकि इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल रिसोर्स भी है, कैसे, यहाँ पे शिपिंग भी होती है, यहाँ पे फिशिंग भी होती है, यहाँ टूरिज्म भी है। इट सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, क्या करता है, इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं जहाँ टूरिज्म है, फिशिंग है, शिपिंग है, वही बात मैंने बोली, ठीक है। एंड अ होम टू डाइवर्स मैरीन इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ, अलग अलग तरह के इक्वेटिक एनिमल्स भी हैं। द कोस्टल रीजन यूएसए का ऑफर्स अ रेंज एक्सपीरियंस
फ्रॉम वाइब्रेंट अर्बन एरियाज टू काम द न्यूचुरल ब्यूटी मेकिंग देम बिलव्ड डेस्टिनेशन फॉर लोकल एंड टूरिस्ट। यानी अगर आप उस कोस्टल रीजन में जाओगे तो वहाँ आपको अर्बन एरियाज की भी झलक मिलेगी, साथ में आपको सुंदर लैंडस्केप भी मिलेंगे। ओके, एक आपको अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है जो आपको पीसफुल चाहिए, जगह अर्बन के साथ साथ पीसफुल भी है, तो इसलिए वहाँ पे लोकल्स और टूरिस्ट, बाहर के टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं।